नमस्कार जय सी एल सी आई एम नीरज चास्टा टीम फिजिक्स सी एल सी सीखकर दंगल टू पेपर सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत करता हूँ तो चलते हैं अपन पेपर सॉल्यूशन की तरफ जिसमें क्वेश्चन हमारे पास 151 से 200 है और क्वेश्चन नंबर 151 या फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर वन जो है वो बोलता है ए बुलेट ऑफ मास टू ग्राम इज हैविंग चार्ज ऑफ दिस मच थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस इट मस्ट बी हैरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट सो दैट इट अक्वायर ए स्पीड ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड एक अपने पास इतने दरमान की गोली है और उसको उस पर आवेश जो है वो अपने पास टू माइक्रोग है और उसको कितने विवान्तर से विवान त्वरित किया जाए कि ये दस मीटर प्रति सेकंड की चाल अर्जित कर ले ठीक है जब भी विव्वान्तर से त्वरित किया जा रहा है तो अगर अपन जानते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा विव्वान्तर से त्वरित करने पर क्यू इन टू वी और जब किसी चार्ज को अपन एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उस टाइम पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी एंड इट विल बी चार्ज अपने जो दे रखा है मास अपने को कितना दे रखा है टू ग्राम दे रखा है तो टू इंटू टेन रेस टू पावर कितना हो जाएगा माइनस थ्री और ये हो जाएगा मेरे पास वेलोसिटी जो कितना हो जाएगा टेन रेस टू पावर टेन मीटर पर सेकेंड का टेन मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा स्क्वायर तो इसकी कैलकुलेशन अपन देखते हैं तो सॉल्व करें हमारे पास टू से टू कैंसिल इधर जो बन जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा दैट इज वी इधर बनेगा हमारे पास टेंडर टू पावर टू इधर बनेगा टेस्ट टू पावर माइनस वन इसको इधर भेजते हैं तो हमारे पास हम, पा, हम लोग के पास सिचुएशन बनेगी टेंस टू पावर सिक्स पॉजिटिव में आ जाएगा और इधर अपने पास ये हो जाएगा टू इधर बनेगा टेस्ट टू पावर माइनस वन ठीक है तो इफेक्टिवली हमारे पास अब जो सिचुएशन हो जाएगी ये बन जाएगी कितनी इतनी टेंडरेस्ट टू पावर फाइव फाइव का मतलब 100 10 में इसको लिख सकता अपॉन क्या हो जाएगा? 2, तो ये हो जाएगा जाएगा तो ये कुछ 50 किलो, वोल्ट. 50 किलो वोल्ट से लोग करेंगे तो 151 का अपना जो आंसर हो जाएगा अपने को इसको क्या करना पड़ेगा एक्सलेट करना पड़ेगा क्यूवी हाँ, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी नेक्स्ट क्वेश्चन टू

तो E2 जो रहता है इस डाइपोल के ए, सम या इधर बोला है ऑन परपर्टिकुलर बाई, बाई सेक्टर यानी कि ये इसकी क्या रहेगी इक्विटोरियल लाइन रहेगी इक्विटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है और वो हो जाएगी हमारे पास E2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी के पी अपॉन आर पर इसने आर जो देखा है वो कितना दे रखा है टू आर दे रखा है तो टू आर क्या हो जाएगा हमारे पास टू आर का कितना हो जाएगा होल क्यूब और डायरेक्शन में ये रहेंगे एक दूसरे के अपोजिट तो अपने को और में रिलेशन बताना है तो ई की कैलकुलेशन करते हैं तो ई टू कितना बन जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा। के पी अपॉन कितना हो जाएगा? एट आर एट आर ठीक है? और देखें तो के पी अपन की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी ई वन बाई टू हो जाएगी तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना ई वन अपॉन एट तो चल ही रहा है और के पी अपॉन आर क्यूब की वैल्यू हो जाएगी ई वन इन टू ये हो जाएगा मेरे पास टू तो ये कितना बन जाएगा ई वन अपॉन बन जाएगा कितना सिक्सटीन

हमारे पास एक चार्ज Q है जो एक रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पर ये Q चार्ज है जिसकी वजह से इसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है इस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है हमारे पास अपॉन टू पावर रहता है थ्री बाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ रिंग ठीक है तो हम लोग को यह पूछा हुआ है कि एट व्हाट डिस्टेंस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम ठीक है तो मैक्सिमम होने के लिए वैसे तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है बट अगर अपने को चाहिए कि कैसे तो आप इस इक्वेशन पर मैक्सिमम मिनिमा अप्लाई करेंगे मैक्सिमम मिनिमा क्या बोलता है डी अपॉन डी एक्स विल बी बीवस टू जीरो इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डेफिनीशन अपन जीरो करेंगे तो उस टाइम पर एक्स का रिजल्ट आएगा दिस विल बी आर बाई रूट टू आर बाई रूट टू लोकेशन पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा मैक्सिमम रहेगा ये वैसे तो रिजल्ट याद रखना है क्योंकि अपन मैक्सिमम तो तो नंबर हो जाएगा वन। चलते हैं, एक अनंत समरूप समरूप आवेश सीधा आर से दो सेंटीमीटर लंब दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है तब रेखीय आवेश घनत्व होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए स्ट्रेट लॉन्ग वायर यूनिफॉर्मली चार्ज एक यूनिफॉर्मली वायर जो होता है उससे डिस्टेंस पर अगर, अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वो होता है टू के क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फील अपनेडा तो मतलब अपने की वैल्यू पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड जो रखा है is, 3 10 कितना हो गया है एट दो सेंटी माइनस टू ठीक है तो हमारे पास सिचुएशन बनेगी ये कितना इधर से दो से दो कैंसिल इससे ये कैंसिल तीन बार उधर देखेंगे अपन अगर तो ये जाएगा मेरे पास कितना माइनस इलेवन

माइक्रो कुलाम पर मीटर हो जाएगा लेमडा कितना होता है कुलाम पर मीटर में होता है तो हमारे पास रिजल्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा थ्री थर्टी थ्री माइक्रो कुलाम पर मीटर ठीक है वन फिफ्टी फोर का आंसर नंबर हो जाएगा सेकंड थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग की ये माइक्रोमीटर उसमें चल रहा है ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर वन फिफ्टी द डायग्राम शोज टू चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाई दीज चार्जेस आई शोन एंड फिगर अपने को ये बताना है कि ये चार्जेस की नेचर क्या रहेगी और ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा ठीक है तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो क्या है बाहर की तरफ निकल रही है तो ये वन नंबर जो रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इनवर्ड है रेडियली इनवर्ड है, है तो दो नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा ठीक है, रहे है. अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स अपन काउंट करें तो ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन यहाँ से इससे सिक्सटीन फील्ड लाइन्स निकल रही है और चार्ज का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स की क्या रहेगा प्रोपोर्शनल रहेगा तो इसमें भी काउंट कर लेते हैं इधर अपने पास क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी सिक्सटीन यानी कि इनसे फील्ड लाइन्स भी जो है जो इनवर्ड और आउटवर्ड फील्ड लाइन्स है वो क्या है इक्वल है यानी कि इनके मैग्नीट्यूड भी क्या रहेंगे सेम रहेंगे तो हमारे पास रिजल्ट रहेगा चार्ज वन इज पॉजिटिव एंड चार्ज टू इज नेगेटिव एंड बोथ चार्जेस हैविंग सेम स्ट्रेंथ या सेम मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड देन वन का आंसर नंबर हो जाएगा हमारे पास कितना टू चलते हैं 156 156 पर वन फिफ्टी सिक्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी आफ्टर चार्जिंग कैपेसिटर बैटरी इज डिस्कनेक्टेड ठीक है तो कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया है इसका मतलब अब इस कैपेसिटर पर जो चार्ज रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि बैटरी तो डिस्कनेक्टेड है ठीक है और इस टाइम पर अगर, अगर अपन एनर्जी की इक्वेशन बोले तो एनर्जी क्या हो जाएगी तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा टू सी क्योंकि चार्ज की इक्वेशन में बात की जाएगी ठीक है नाउ द डायलेक्ट्रिक प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ठीक है तो अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक डायलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो एक परावत पट्टिका जो है वो इसके अंदर अपन रख रहे हैं तब तो अपने पास जो नई u डैश हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास क्यू स्क् टू और c इन मीडियम अपन जानते हैं c मीडियम जो होता है वो कितना होता है एफसेल आर 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 सी हो जाएगा यानी कि आपकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी ये हो जाएगा हमारे पास एफसेल आर टाइम्स कितना हो जाएगा सी ठीक है द प्लेट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट ठीक है नॉट करेक्ट में अपने पास यहां पर तो अपन देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या हो रही है टाइम्स क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही रही है है डिक्रीज एनर्जी पहले ज्यादा रहेगी और अगर, अगर, अगर अपन स्लैब पुट कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होएगी जिसकी वजह से एनर्जी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी तो इंक्रीज इन द स्टोर्ड एनर्जी तो ये तो यही गलत हो गया पहले नंबर का कि यहां पर जो तो एनर्जी है वो एनर्जी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है ठीक है तो पहले नंबर का जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी रॉन्ग बिकॉज वो तो बोल रहा है कि एनर्जी बढ़नी चाहिए एनर्जी कम हो रही है अगर अपन दूसरी चीजों में चलते हैं तो अगर अपन देखें तो क्यूज टू तुम्हारे पास क्या रहेगा सी वी अगर अपन यहाँ पर देखें तो वी विल बी इक्वल टू हमारे पास क्या होगा क्यू अपॉन क्या रहेगा सी अगर सी इंक्रीज हुआ है तो वी क्या होगा डिक्रीज होगा तो डिक्रीज इन द पोटेंशियल ये बात सही है डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है वो क्या रहेगा इधर से वी अपॉन डी डिस्टेंस सेम है दोनों के बीच में वी कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा कम होगा ये भी ठीक है इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस ये तो अपन जानते हैं कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई है ठीक है तो बाकी सारे ऑप्शन सही है वन फिफ्टी सिक्स का जो आंसर रहेगा वो रहेगा वन चलते हैं वन फिफ्टी सेवन पर तीन संधारित्र अनुसार जुड़े हैं तो सीवन पर आवेश अपने को पता करना है, शोन इन फिगर, देन चार्ज C1, और इस पर अपने को चार्ज कैलकुलेट करना है ऐसी अपने पास ग्राउंड है और इसका वोल्टेज जो हो जाएगा वो जीरो वोल्ट हो जाएगा तो इस जीरो वोल्ट से अगर मैं इधर चलता हूं तो हमारे पास सिचुएशन ये बननी है कि ये छह वोल्ट लगा हुआ है तो यहाँ पर आपके पास जो वोल्टेज रहेगा दैट विल बी सिक्स वोल्ट इधर भी छह वोल्ट लगा हुआ है तो इस जगह का जो वोल्टेज रहेगा वो भी क्या रहेगा सिक्स वोल्ट रहेगा और इधर ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैं अगर कुछ वी एक्स पोटेंशियल बोल देता हूँ तो इस पॉइंट पर अगर, अगर अपन यहां पर इस इस पर अपन चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई करें तो चार्ज कंजर्वेशन इस तरह से देख सकते हैं कि इधर से आने वाला चार्ज लेस से क्यू वन बोल देता हूं इधर से आने वाला चार्ज क्यू टू बोल देता हूं तो ये सारा चार्ज जो है ये इधर की तरफ ट्रेवल करेगा एंड दैट विल बी क्यू थ्री तो ये एक तरह से चार्ज कंजर्वेशन या ये एक तरह से अपना क्या है के सी एल अपन अप्लाई कर रहे हैं ठीक है तो अपन देख सकते हैं कि Q1 वन प्लस क्यू टू दैट विल बी बीवस टू क्या है Q3 अगर वैल्यूज की बात करें तो अपने को अभी इस पर जो चार्ज है C1 पर चार्ज कैलकुलेट करना है यानी कि आपको इस क्वेश्चन में C1 पर जो चार्ज रहेगा वो कौन रहेगा अपना Q1 उस Q1 को कैलकुलेट करना है तो Q1 को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या जानते हैं Q इजिकल टू सी तो अगर देखें तो ये जो चार्ज रहेगा दिस विल बी टू माइक्रो इनटू अगर अगर चलते हैं यहां पर तो सी जो है इसके अक्रॉस सी जो बनेगा वो कितना है छ माइनस कितना है वी एक्स प्लस वापस से इसके अक्रॉस तो इस तो पास टू और इसका डेल्टा v कितना है वापस से सिक्स माइनस कितना है V अब Q3 के लिए चलते हैं तो ये है Q3 जिसमें कैपेसिटर कितना है चार और इसके अक्रॉस वोल्टेज Vx माइनस कितना हो जाएगा Vx माइनस कौन हो जाएगा जीरो तो पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि ये हो जाएगा फोर सिक्स माइनस कितना हो गया वी एक्स दैट इज इक्वल टू फोर कितना हो जाएगा वी एक्स तो फोर से फोर कैंसिल इस वी एक्स को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा टू वी एक्स दैट इज इक्वल टू सिक्स और वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी तीन वोल्ट आ जाएगी तो इस नोड का जो वोल्टेज आ रहा है वो तीन वोल्ट आ रहा है तो अगर मेरे को उधर वाला अब इसके अकॉर्डिंग आप सारी कैपेसिटर पर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो q1 की वैल्यू ये रही q2 की वैल्यू ये रही q3 की वैल्यू ये रही अपने को q1 कैलकुलेट करना है तो q1 जो रहेगा वो हो जाएगा 2 माइनस vx की वैल्यू कितनी हो गई है 3 तो ये बन जाएगा 3 2 6 माइक्रो कूलम तो अपने पास 157 का आंसर रहेगा 1 दैट विल बी 6 माइक्रो कूलम ठीक है चलते हैं 158 पर आ,

नीचे सिग्मा की वैल्यू अगर अपन रखें तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारे पास इसको लिखें अगर अपन तो ये क्यू अपॉन क्या हो जाएगा का क्या होगा स्क्वायर होगा तो क्यू का स्क्वायर होगा एफ साल नॉट का स्क्वायर होगा पर ये ए का भी क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर होगा ठीक है तो ये रहेगा हमारे पास वन फिफ्टी एट इसका आंसर नंबर विच इज नॉट डज नॉट रिप्रेजेंट तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा टी चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर अगर अपने पास इस सर्किट में पावर इंजेक्शन 50 वोट है तो 50 वॉट होने पर अपने को वैल्यूज पता करनी है तो भाई ये 20 वोल्ट ये 10 वोल्ट दस ओम पर जा रहा है तो इसमें होने वाला पावर इंज्शन कितना रहेगा वी स्क्वायर अपॉन आर बीस स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा टेन इस पर आने वाला पावर इंजेक्शन ठीक है वी स्क्वायर अपॉन आर अब ये बीस वोल्ट जो है वो आर पर भी जा रहा है तो उस पर होने वाला पावर इंजेक्शन कितना हो जाएगा बीस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आर दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फिफ्टी तो यहां से अगर अपन चलते हैं तो देखो क्या बन रही है सिचुएशन इधर से ये बन रहा है तुम्हारे पास कितना ट्वेंटी स्क्वायर ये बन जाएगा फोर हंड्रेड अपॉन टेन तो रहा है पचास ठीक है तो अगर अपन ये लिखू तो ये सोल्व करेंगे तो बीस स्क्वायर या बीस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं फोर हंड्रेड अपॉन कितना हो जाएगा आर दैट इज टू कितना हो जाएगा टेन तो यहां से अपन कैंसिल करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी चालीस इधर शिफ्ट करेंगे देन तो विल बी टू ठीक है तो r की वैल्यू 159 का आंसर नंबर हो जाएगा फोर ठीक है चलते आगे अपन 160 वी स्टोन ब्रिज में हमारे पास अभी x और y इक्वल है x और y ये दोनों इक्वल हैं और a इज ग्रेटर देन b है a इज ग्रेटर देन b है ठीक है तो अगर अपन यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट अपने को पता करनी है तो वो कैसे दी जाएगी तो देखो एक्स और वाई बराबर है उस टाइम पर इस पर जो पोटेंशियल रहेगा वो एक तरह से यहां पर वी बोल देता हूं तो एक तरह से ये अप्रोक्सिमेटली क्या होगा ये वी बाई टू रहेगा ये देखने का तरीका है का आपको करंट डायरेक्शन पता करनी है अभी ए इज ग्रेटर देन बी है ए इज ग्रेटर देन बी है अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहां पर दोनों पर पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो क्या होना है इक्वल होना है वैसे तो ये केवीएल से सॉल्व किया जाता है बट अपन एक रफ एस्टिमेशन लगा रहे हैं अभी ये ए इज ग्रेटर देन क्या है ज ड्रॉप जो होगा वो ज्यादा होगा जिसकी वजह से इस नोड पर वोल्टेज जो आएगा वो देखो बराबर थे तो वी बाई ट हो रहा था पर अब यह बड़ा है तो इस पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो इस नोड पर वोल्टेज जो आएगा से भी क्या वोल्टेज आएगा यहां पर कम आएगा क्योंकि इस वाले रेजिस्टेंस पर अब वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा कम होगा ठीक है तो इफेक्टिवली ये वाला नोड का जो वोल्टेज रहेगा जो इस इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज रहेगा दिस वोल्टेज विल बी लेस ठीक है और इस जगह पर ये वोल्टेज जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा क्योंकि इस V का आधा आधा डिवीजन इन दोनों पर हो गया पर इस V का ज्यादा पोर्शन इस पर चला जाएगा कम पोर्शन इस पर आएगा कम पोर्शन इस पर आएगा तो इसका नोड वोल्टेज कम रहेगा और आपकी करंट जो फ्लो होगी वो इधर से इधर की तरफ फ्लो होगी फ्रॉम बी टू ए वन सिक्सटी का आंसर रहेगा टू फ्रॉम बी टू ए ये इसको देखने का तरीका है अदरवाइज ये पूरा केवीएल से सॉल्व किया जाता है ठीक है तो हमारे पास 160 का आंसर नंबर हो जाएगा टू चलते हैं अपन 161 पर 161 एक मीटर ब्रिज अपने को दिया हुआ है और उसमें अपने को रेजिस्टेंस आर पता करना है तो रेजिस्टेंस आर के लिए मीटर ब्रिज इसका इसका रेशियो दैट इज इक्वल टू इसका इसका, इसका रेशियो और ये व, ये

में एक कार्बन प्रतिरोध को विभिन्न पत्तियों वाली रंगों के साथ दर्शाया गया है रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को यहाँ पर बतानी है जिसमें कलर कोडिंग ये चल रही है ठीक तो है तो कलर कोडिंग में अपन सबसे पहले व्हाइट है तो अपन जानते हैं बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ में व्हाइट जो होता है वो किस पर जाता है नो नंबर पर जाता है नो नंबर पर जाएगा तो आपके पास पहला कोड का जो पहला लेटर जो रहेगा वो कितना रहेगा नाइन रहेगा अब इसको मैं पूरा सॉल्व करूं बट अपने पास सारे जो है। उसमें पहला लेटर जो है वो नाइन किस में आ रहा है ऑप्शन नंबर फोर में आ रहा है तो अब अपने अपनी ज्यादा जरूरत सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको सीधा आंसर जो दिख रहा है वो कितना तो वन सिक्सटी टू का आंसर नंबर हो जाएगा फोर नेक्स्ट थ्री लॉन्ग सोलोनाइड एक सोलोनाइड है अपने पास जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है अपने पास? L की एक सोलोनाइड है ठीक है ये हो गई अपने पास एन लेंथ ठीक है और मीन का मतलब इसका डायमीटर अपने को डी दे रखा है वैसे मैग्नेटिक फील्ड डायमीटर पर डिपेंड नहीं करता है इट हैज एन लगी हुई है ये तो हो गई एन इसमें नंबर ऑफ टनस जो दे रखे हैं, वो एन दे रखे ठीक है

The current is uniformly distributed across its cross दे रखा है वो रेडियस अपने पास कितना है सारी करंट जो है क्रॉस सेक्शन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एम्पेयर लॉ के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर फॉर्मुले लिखेंगे इसके अंदर अगर आर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट है तो उस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी जो होती है मैं बी वन बोल रहा हूं इस पॉइंट को वन बोल रहा हूं इस फील्ड पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी होती है म्यू नॉट आई आर अपॉन रहेगा हमारे पास टू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर कैपिटल आर इज रेडियस इसको कैपिटल आर लिख देता हूं चलो मैं ठीक है और अब आपको आगे अगर अपन देखें तो एक पॉइंट बाहर है और बाहर वाला पॉइंट जो होता है उस पर फील्ड इंटेंसिटी B2 जो रहेगी दैट इज म्यू नॉट हाई अपॉन रहेगा हमारे पास 2 पाई इनटू कितना रहेगा स्मॉल r तो अंदर वाला पॉइंट जो दे रखा है वो r/2 रेडियस के आधे सिचुएशन पर दे रखा है तो रेडिएट के आधे सिचुएशन पर अपन चलते हैं तो यहां पर ये जो r लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास r/2 ये एक r से

B1 और ये है B2 और रेशो ऑन दीज पॉइंट्स तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन सेम टू तो सेम बन रहे हैं तो रेशियो में ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे तो रेशियो बन जाएगा वन इज टू वन वन इज टू वन ठीक है तो हमारे पास वन सिक्सटी फोर एक बढ़िया क्वेश्चन है दोनों फॉर्मूले आप लोग को याद रखने हैं ठीक है वन सिक्सटी फाइव पर चलते हैं वन बोलता है कि करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्शन ऑफ लॉन्ग होलो सिलेंड्रिकल वायर ऑफ इनर रेडियस आर वन एंड आउटर रेडियस ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वैसे अपन इसको समझेंगे बट आपको इसका रिजल्ट या इसका ग्राफ जो रहेगा वो आपको ध्यान रखना है ये कैसे रहेगा हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसकी इनर रेडियस जो है वो कुछ अपन ले, ले लेते हैं ये आर वन है, है और इसकी जो आउटर रेडियस है उसको ले, ले लेता हूँ मैं ये क्या है आर टू है और करंट जो है ये ये केवल जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसमें से ये करंट जो है वो क्या हो रही है फ्लो हो रही है ठीक है तो अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो एक्चुअली अगर अपन ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ जो रहेगा यहाँ पर इन साइड जो जी आर वन से कम लोकेशन है तो इसमें तो कोई करंट फ्लो हो नहीं रही है तो इसका मतलब आपके पास एम्पियस लॉ के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे और एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग आर वन तक तो हम लोग को कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगी ठीक है एक

यहां से R1 से R2 के बीच में जा रहे हैं आपके पास करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा तो इस जोन से इस जोन में हमारे पास जो एम्पियर पाथ अगर, अगर अपन कंसिडर करेंगे जैसे एम्पियर पाथ इसके लिए कंसिडर करूंगा आगे वाले के लिए कंसिडर करूंगा तो इनमें से करंट की जो है वो बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ता जाएगा तो हमारे पास एक जो रिजल्ट रहेगा दैट रिजल्ट विल बी दिस कि आपके पास इनिशियली आर वन से कम पर जीरो फिर इंक्रीज होगा और आउटसाइड पॉइंट पर रेसिप्रोकल वन अपॉन

तो उसमें अगर अपन देखें तो हमारे पास जो सिचुएशन रहेगी वो सिचुएशन रहेगी कि ये चार्ज जो रहेगा ये इधर गया है तो हमारे पास आर की वैल्यू जो रहेगी वो क्या होती है एम वी अपॉन क्या रहती है यू बी जहाँ पर वी जो है वो वेलोसिटी है क्वेश्चन में इज द स्पीड तो स्पीड अपने पास दे रखी है तो चलो आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इधर से चलते हैं वी की वैल्यू एम वी में वी हो गया टू इन टू टेन पावर सिक्स

ये है तुम्हारे पास Q इसकी वैल्यू है 24 फोर इंटू कितना टेन रेस्ट पावर थ्री टू इंटू एम जो हो जाएगा हाँ अपन क्या करेंगे M Q की ये अपने तो अपन क्या कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं एम अपॉन क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस क्यू को मैं इधर आ जाता हूँ दो को उधर लेके चला जाता हूँ फोर्टी एट इंटू टेन रेस्ट पावर कितना थ्री इधर इधर आ आ गया, गया, गया। तो 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 बारह और ये हो जाएगा टेन रेस्टर पावर कितनी बन जाएगी नाइन बन जाएगी ऊपर तो ये जो पूरा एमापॉन क्यू जो बनने वाला है ये अपॉन क्यू की पूरी वैल्यू जो हो जाएगी ये बन जाएगा हमारे पास कितना ट्वेल्व इंटू टेन रेस्टो पावर टेन रेस पावर बारह ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा नौ थ्री माइनस ट्वेल्व माइनस नाइन ठीक है तो इसको अगर अपन देखें तो अब अपने पास रिजल्ट जो बनने वाला है वो क्या हो जाएगा इसको और ऊपर भेजें तो ये बन जाएगा अपने पास टेन तो ये हो गया टेन पावर सेवन दो से ये दो कैंसिल अगर अपन आगे चलाएं तो हमारे पास जो बन रहा है टेन पावर सेवन ये बन जाएगा अपने पास माइनस टू बचेगा मीटर में आंसर आएगा टेन रेसुपावर माइनस टू मीटर तो ये जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा बारह सेंटीमीटर तो रिजल्ट जो बनेगा, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। एक एक बढ़िया क्वेश्चन है। है, 166 का का आंसर आएगा, चलते हैं 167 167। पर। जिसमें चुंबकीय क्षेत्र मान इसे को त्वरित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है वैद्य क्षेत्र की दिशा किस अंतराल में परिवर्तित होती है तो इलेक्ट्रिक फील्डुएटोर की जो है, वो दिर दिर बढ़ती जाती है आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से भी क्या कर रहे हो एक्सलरेट करा रहे हो ठीक है में हम ये जानते हैं कि साइक्लोट्रॉन में एक साइकिल में दो बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सलरेशन होता है एक साइकिल में यहां पर एक्सलरेशन होगा यहाँ एक्सेलरेशन होगा वापस से अगली साइकिल में यहाँ एक्सेलरेशन होगा यहाँ एक्सेलरेशन होगा कहने का मतलब ये जब आधा साइकिल कंप्लीट करता है तब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार एक्सेलरेट करता है और एक पूरी साइकिल में दो बार इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेशन होता है अपन जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है इस सर्कुलर मोशन का वो होता है टू पाई एम अपॉन रहता है क्यू पर अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्चुएशन रहेगा दैट विल बी इन टू टाइम टी बाई जिसकी वजह से ये टी जो बनेगा वो हो जाएगा तुम्हारे पास कितना पाई एम अपॉन कितना रहेगा क्यू

3.14 से 3.14 कैंसिल बढ़िया बात 1.6 से 1.6 कैंसिल और हमारे पास रिजल्ट जो बनना है इसको ऊपर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा तो पास 19 और, यहाँ पर 10 19 और आट, 27 तो 10 रेस्ट पावर माइनस एट आना है अपने को आंसर जो है, वो सारे कितना हो जाएगा दस का गुणा और दस का भाग माइनस का कितना हो जाएगा नाइन यानी ये दस नैनो सेकंड रिजल्ट आएगा

उस टाइम पर चार्ज बताना है जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज क्या हो सॉरी एनर्जी जो हो वो क्या हो सेम हो तो उसके लिए अगर अपन चले तो लेट्स से हमारे पास कैपेसिटर पर अधिकतम आवेश q0 है यानी कि आपके पास कैपेसिटर पर आने वाली मैक्सिमम एनर्जी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी q0 स्क्वायर अपॉन q0 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2c

इन द सर्किट शोन द सेल इज आइडियल सेल इज आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है इसका द कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ कोइल हेनरी कॉइल की इंडक्टेंस अपने पास चार है एंड जीरो रेजिस्टेंस कॉइल में कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है ठीक है ए फ्यूज ऑफ जीरो रेजिस्टेंस यहां पर ये फ्यूज है बेसिकली फ्यूज एक रेजिस्टेंस होता है ठीक है बट अपने को ये भी बोल दिया है कि ये फ्यूज जो है जीरो रेजिस्टेंस का है उस समय उड़ जाएगा जब परिपथ में धारा पांच एम्पियर हो जाएगी जब यहां पर करंट जो है वो फाइव हो किस टाइम पर, पर उड़ जाएगा तो सबसे पहले तो यहां पर अगर एक रेजिस्टेंस होता फ्यूज एक आर रेजिस्टेंस होता तो ये आर एल सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करता और उस टाइम पर सीरीज आर एल सर्किट का जो एक्सप्रेशन है करंट वाला वो यूज करते है पर अब इसने बोल दिया कि भाई फ्यूज का रेजिस्टेंस जीरो ही है फ्यूज का रेजिस्टेंस जीरो है तो फिर अपने पास यहां पर एक ही एलिमेंट हो गया है वो इंडक्टर हो गया और ये सारा का सारा वोल्टेज जो है वो इस इंडक्टर पर जाएगा सारा का सारा वोल्टेज जब इंडक्टर पर जाएगा तो अपन इंडक्टर के लिए देखते हैं कि इंडक्टर पर जो वोल्टेज होता है वो होता है एल डी आई अपॉन डी टी और इंडक्टर पर जो अब जो अब वोल्टेज जो आने वाला है वो इस बैटरी के क्या हो गया है बराबर हो गया तो ये हो गया दो इंडक्टर की वैल्यू हो गई चार करंट की वैल्यू अपने को चाहिए और करंट जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है वो इस एक्सप्रेशन से अपने को पता चल जाए ठीक है इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं दिस इज अपॉन तो तो इंटीग्रेशन करेंगे आई और टी हो जाएगा ठीक है अभी इसने बोला है कि पांच एम्पियर जब करंट हो जाती है तो ये इंडक्टर उड़ जाएगा इसका मतलब इस आई की वैल्यू कितनी हो गई है और उस टाइम का टाइम पता करना है तो टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारे तो पास फोर बाई टू और करंट की वैल्यू हो गई अपने पास कितनी पांच तो ये बन जाएगा चार पांच बीस बटा दो दस सेकेंड तो आफ्टर टेन सेकेंड दिस इंडक्टर विल दिस फ्यूज विल बस्ट ठीक है तो एक बढ़िया क्वेश्चन है दस सेकेंड में ये क्या हो जाएगा बस्ट हो जाएगा चलो नेक्स्ट पर चलते हैं 170 पर। हमारे पास एक सिचुएशन ये दे रखी है कि हमारे पास हंड्रेड टंस की और वन सेंटीमीटर रेडियस की एक कॉइल है और इट इज प्लेस्ड को एक्सुअली विद लॉन्ग सोल टेन टन पर सेंटीमीटर ठीक है फाइव सेंटीमीटर रेडियस ठीक है कहने का मतलब हमारे पास एक सोलोनाइड है, है अभी इस सोलोनाइड के लिए अगर बात करें तो ये सोलोनाइड की वजह से कुछ फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड सोलोनाइट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं ये कितना रहेगा म्यूनोट एन आई ठीक है इसके कोई अपन ने यहाँ पर एक सर्कुलर कॉयल रखी हुई है और इस सर्क्यूलर कॉयल में जो नंबर ऑफ टनस है

फाइव अपॉन आई वन का मतलब इसका फ्लक्स उसकी करंट म्यूचुअल इंडक्टेंस क्योंकि उसके मैग्नेटिक फील्ड से इससे फ्लक्स पास होगा तो वो फ्लक्स कैसे पास होगा अगर अपन देखें तो इससे पास होने वाला फ्लक्स जो रहेगा वो रहेगा बी वन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट इनटू एरिया ऑफ सेकंड कॉइल अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा आई ठीक है

पर सेंटीमीटर बोल रखा है इसने तो टेन तो पर मीटर में अगर अपन बात करें तो इसको मैं ये बोल सकता हूं कि एक सेंटीमीटर में आपके पास दस टर्न है तो पर मीटर में सौ सेंटीमीटर में कितने टर्न हो जाएंगे हमारे पास थाउजेंड टनस हो जाएंगे थाउजेंड टन्स पर पर मीटर हो जाएंगे ठीक है एंड टूल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास हंड्रेड नंबर ऑफ हंड्रेड टन से ठीक है इसको और आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास एक पाई और चल रहा है

Complete question, 170 का answer रहेगा one. चलते अगले पर पर. 171 पर. 171 एक एक लूप है मैग्नेटिक फील्ड और इस फील्ड से अपन इसको क्या कर रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं ठीक है ठीके? और ये भी बोला हुआ है कि इसका हाफ पोर्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में है ठीक है तो अगर अपने को यहां पर बोला जाए कि इसमें इंड्यूज ई जो रहेगा वो कितना रहेगा तो इंड्यूज ई के लिए बोलेंगे कि लेस से मैं इसको वैसे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं पर इसका पूरा कॉन्सेप्ट अगर अपन देखें तो लेस से कुछ dt टाइम में dt टाइम में यहां से dx पोर्शन dx लेंथ जो है वो बाहर गई ठीक है तो अगर अपन यहां पर देखें तो इफेक्टिवली ये तो हो गया मेरे पास dx ठीक है और ये जो लेंथ है उस लेंथ को मैं एल बोल देता हूँ जो इसने बोल रखी है पहले से ही तो अगर अपन यहां पर फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारे तो पास ये फ्लक्स और अगर अपन की बात करते तो वो होता है हमारे पास डी फाइव अपॉन डी टी डी अपॉन डी टी तो मैग्नेटिक फील्ड तो कॉन्स्टेंट है और एरिया चेंज हो रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दैट दिस इज बी इंटू हो जाएगा डी ए अपॉन क्या हो जाएगा डी टी ठीक है डी बी डीए डी ए की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एल इन टू डी जाएगा एल इन टू डी एक्स अपॉन हो जाएगा मेरे पास डी टी डी एक्सॉन डी टी की वैल्यू हो जाएगी वी तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी वी एल होगा बी वी एल ठीक है यह और एक बढ़िया क्वेश्चन है बी वी एल चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर 172. 172. चित्र में टी समय के साथ पर आवर्ती गया है, ओके, टी आवर्तक है विभव का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा ठीक है आर वैल्यू कैलकुलेट करनी है अब अपने पास ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है एक तो है वी नॉट अगर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसकी आरएमएस वैल्यू वी नॉट ही होती है पर ये चल कितनी देर तक रहा है टी बाई फोर तक चल रहा है

172 आंसर नंबर ठीक है चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर 173 173 हमारे पास ये जो वोल्ट मीटर है वो 75 फाइव वोल्ट दिखा रहा है तो अपने को कैपेसिटेंस की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करनी है ठीक है ये 75 फाइव वोल्ट ही दे रखा है और आपने को ये भी 75 फाइव वोल्ट ही शो कर रहा है इसका मतलब और कैपेसिटर एक दूसरे के इफेक्ट्स को क्या कर रहे हैं कैंसिल कर रहे हैं यानी कि इस सर्किट में अभी रेजोनेंस की कंडीशन है और एक्सएल और एक्सी दोनों एक दूसरे की क्या है बराबर है ठीक है हम ये जानते हैं कि रेजोरेंटिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है एफ दैट इज वन अपॉन टू पाई अंडर अंडरवुड क्या रहेगा एल सी रहेगा जिसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तुमको ये दे रखी है दिस इज फाइव हंड्रेड दैट इज वन अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास कितना टू पाई अंडर अंडरवुड में इंडक्टर जो दे रखा है वो कितना है टेन मिली दे रखा है ठीक है तो ये हो जाएगा नियर टेन इंटू टू पावर माइनस थ्री

साइड तो हमारे पास इधर जो बनेगा 10 रेस पावर माइनस टू सी दैट इज इक्व ये बनेगा, बस तो इसको सॉल्व कर देते हैं इधर से अगर अपन चले तो देखो क्या कर रहे हैं इसको नीचे भेज देता हूं टेन टू पावर टू इसको ऊपर भेजेंगे तो ये टेन रेस पावर कितनी हो जाएगी टू ठीक है तो यहाँ से कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर अपन देखें तो फोर पाई स्क्वायर जो है उसको अपन आराम से कितना रखेंगे टेन रखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन में चलेगी ठीक है तो इसको एडजस्टमेंट में अगर अपन देखें तो ये हो गया फोर इंटू टेन इंट ट्वेंटी फाइव इंटू चलो इसको इधर भेज देता है तो कितना आ जाएगा टू ठीक है ये बन जाएगा 25 चार सो पूरा और टेन रे सुपावर टू ये रहा तो अपने पास बेसिकली ये बन रहा है के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो मैं क्या करता हूँ इसको माइक्रो में लेके आता हूँ तो माइक्रो में अगर, अगर अपन इसको लेके आएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा टेन से मल्टीप्लाई टेन से डिवाइड तो ये बन जाएगा टेन माइक्रो फेरेट ठीक है टेन टेनरे सिक्स जो ऊपर जाएगा तो हमारा फोर 173 आंसर नंबर 4 चले अगल, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं तो 175 पर चलें 175 किसी वास्तविक वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बन सकता है इन्वर्टेड इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट जो हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है उससे रियल ऑब्जेक्ट का कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं बन सकता ठीक है रियल ऑब्जेक्ट कहां रखोगे तुम रियल ऑब्जेक्ट रखोगे सामने ठीक है सामने मैक्सिमम कंडीशन में इंफाइनेट पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो तुम्हारे फो, पास फोकस पर इमेज बनेगी और प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो P और एफ के बीच में इरेक्ट इमेज बनेगी तो हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट का उल्टा प्रतिबिंब या इन्वर्टेड इमेज कभी भी नहीं बन सकती ठीक है तो 174 तो ये कितना हो जाएगा अंडरुड एक्स वन एक्स टू अंडरवुड एक्स वन एक्स टू न्यूटन लॉ बेसिक जहां पर सारा मेजरमेंट जो चलेगा वो कहां से फोकस से चलेगा अंडर रुड ऑफ एक्स वन एक्स टू चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन

तो टाइम जो है वो डिस्टेंस दैट इज टी अपॉन स्पीड कितना हो टू सी अपॉन हो जाएगा 3, तो ये जाएगा 3 कितना हो जाएगा? 2c. 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 176 हो जाएगा जाएगा नंबर 177 177. Uh, Young double slit experiment. The separation between स्लिट इज b and द screen is at distance d. ठीक है from the slit at point of screen directly in front of the slits the certain wavelength are missing missing wavelength can be can be ठीक है तो मिसिंग वेवलेंथ या कुछ तरंगदैर्ध्य अगर गायब हैं इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ठीक है हम ये जानते हैं कि अगर अपने पास दो स्लिट्स हो तो ये अपने पास एक वाई की अगर अपन बात करें तो सामने ये स्क्रीन लगी हुई है ये अपने पास जो है दैट इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन

और एक रहेगा हमारे पास डी साइन रहेगा इसको अगर अपन देखें तो साइन थीटा साइन थीटा के लिए अगर अपन थीटा को रेफरेंस कंसिडर करें तो थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा और टेन थीटा सेम रहेगा तो यहां से मैं theta को लिख सकता हूं दैट टेन थीटा विल बीस टू है ये डिस्टेंस तुमको बी दे रखी है और ये बी बाई टू दे रखी है तो, अगर देखें, तो इन के में पुट करूं तो ये जो D है, वो सीटों के बीच में दूरी है, B. जो sin है वो टेन बराबर रहेगा बन जाएगा तुम्हारे पास बी बाई टू इन टू अपॉन कितना हो जाएगा बेस कौन है स्मॉल एंगल के लिए बी बाई टू अपॉन क्या हो जाएगा डी डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन uh, एंड ठीक है अभी यहां पर मिसिंग वेवलेंस के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो और मैं पहला डिस्ट्रक्टिव कंसिडर करूं तो वन माइनस वन बाई टू तो ये जो लेमडा है वो क्या हो जाएगा लेमडा बाई टू हो जाएगा तो यहां पर अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? टू डी दैट इज इक्वल्स टू लेमडा बाई क्या हो जाएगा टू

v v by by uh, stopping potential is is the the threshold wavelength of the surfaces, threshold wavelength wavelength of surface decide 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 चले अगर तो इक्वेशन क्या है ई विलीव टू ये हो जाएगा मेरे पास node प्लस क्या हो जाएगा ई स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी एस ई की वैल्यू पहले वाले केस में अगर, अगर देखें तो लेमडा वेवलेंथ है एच सी अपॉन क्या हो जाएगा लेमडा is इज to टू फाइनोड प्लस ये हो जाएगा मेरे पास ई और स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले वाला कितना है वी है दूसरे वाले वी बाई थ्री है अपने को आंसर लेमडा का चाहिए तो अपने को एक्चुअली फाइन नॉट चाहिए और उसको लेमडा की टर्म में लेके आना है तो अपन वी को रिमूव करेंगे ठीक है तो वी को रिमूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहां से ई वी की वैल्यू उठा के इसमें रख देता हूँ या इसको क्या कर सकते हैं अपन तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तीन से मल्टीप्लाई कर दो दूसरों तो 3hc अपॉन क्या हो जाएगा 2 लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास 3 phi नॉट दैट इज 3 phi नॉट प्लस क्या हो जाएगा e into v ठीक है e into v अब यहां से ev की वैल्यू उठा के अगर अपन रखते हैं तो उधर बन रहा है तुम्हारे पास 3hc अपॉन क्या बन रहा है 2 लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू 3 phi नॉट और ev की वैल्यू यहां से बन जाएगी तुम्हारे पास कितनी दैट इज प्लस एच सी अपॉन हो जाएगा लेमडा माइनस क्या हो जाएगा फाइनोट ये बन जाएगा ठीक है इसको उधर ले जाता हूं तो थ्री बाई टू एच सी बाई लेमडा और एच सी अपॉन लेमडा तो थ्री बाई टू एच सी बाई लेमडा में से एच सी बाई लेमडा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा एच सी अपॉन टू लेमडा ठीक है तीन ये टू एच सी अपॉन टू लेमडा है ये तीन एच सी अपॉन टू लेमडा तो एच सी अपॉन टू लेमडा बन जाएगा इधर बन जाएगा मेरे पास कितना थ्री माइनस वन ये बन जाएगा कितना इधर टू नॉट बन जाएगा टू नॉट

और ये ब्लास्ट होता है ब्लास्ट होने की वजह से ये कुछ एम वन में ब्रेक होता है और ये कुछ एम टू में ब्रेक होता है ठीक है आपको इन पार्टिकल्स की पी वन तो 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 और ये रहेगा पीटू और पी वन प्लस पी टू जो रहेंगे मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन और इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा बराबर रहेगा ठीक है तो अगर अपन देखें तो P1 वन मोमेंटम और P2 टू मोमेंटम जो है मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में क्या रहेंगे अपोजिट रहेंगे अब अपने को चाहिए तो अपन जानते हैं क्या एच अपॉन पी एच तो कॉन्स्टेंट तो है और लेमडा और पी पी क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों पार्टिकल का पी क्या है मैग्नीट्यूड में सेम है तो दोनों की वेवलेंथ का रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वन इज टू वन हो जाएगा यहां पर मोमेंटम से अपन सीधा सॉल्व करेंगे वेलोसिटी तक जाने की अपनी को जरूरत भी नहीं है

अगर अपन देखें तो ये होता है जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन ठीक है एंगस्ट्रॉन्ग ये रहेगा एन स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा जेट तो सबसे पहले तो ये जो टर्म है दिस इट सेल्फ इज बोर रेडियस अगर अपन एन एजस्ट वन वन पुट करेंगे हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट तो ये बचेगा तो दिस विल बी ए नॉट ठीक है एन स्क्वायर एन स्क्वायर हमारे पास कितना है एन

ज्यादा होना चाहिए ठीक है अल्ट्रावायलेट विजिबल और फिर कहां जाते हैं अपन इंफ्रारेड में तो इंफ्रारेड में जाने के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या रहेगी रहेगी ज्यादा पॉइंट नंबर अगर अपन देखें तो क्या होता है तुम्हारे पास लैम्डा लैम्डा तो लेम्डा अगर तो अगर ज्यादा चाहिए आपके पास एनर्जी जो होनी चाहिए ट्रांजिशन की क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए एनर्जी कम होनी चाहिए एनर्जी कम होनी चाहिए इसका मतलब आपके पास ट्रांजिशन लेंथ जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए तो आप अपने को यहां से इनमें से वो ट्रांजिशन लेंथ देखनी है जो क्या हो कम लेंथ की हो तो चलते हैं ये कौन कौन है तुम्हारे पास ये हो गया एक दो इधर हो जाएगा मेरे पास कौन तीन ये हो गया मेरे पास चार और ये हो गया अपने पास पांच ठीक है चार से अपन तीन में आ रहे हैं तो चार से तीन में ये ट्रांजिशन लेंथ तो आपकी ट्रांजिशन लेंथ और कम होनी चाहिए तो चार से तीन में ट्रांजिशन लेंथ की अगर अपन बात करें तो पांच से चार या छह से पांच इस टाइप की ट्रांजिशन लेंथ अभी अपने को बुलाया पांच से तीन तो पांच से आप कहाँ आ रहे हो तीन पर ट्रांजिशन लेंथ बढ़ रही है ये तो हो गया गलत चार से दो में आ रहे हो चार से दो में भी ट्रांजिशन लेंथ बढ़ रही है ये भी गलत से हम लोग आ रहे हैं एक में आ रहे हैं तो तीन से एक में आ रहे हैं तो भी ट्रांजिशन लेंथ बढ़ रही है ये भी हो गया गलत तो इनमें से तो कोई भी इंफ्रा में नहीं जाएगा ठीक है इंफ्रा में जाने के लिए हमारे पास अभी जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑफ ऑफ का आंसर नंबर चलते हैं पर प्लस पी

अगर की बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो कितना रहेगा सेवन पॉइंट जीरो सिक्स रहेगा माइनस उधर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो न्यूक्लियन कितने हैं तुम्हारे पास सात है प्रोटोन फ्री है और वो बाउंडेड न्यूक्लियस में नहीं है ठीक है तो सेवन तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास सेवन इन टू इधर से इधर से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है एल आई के लिए जो दे रखी है दैट इज देखिए कितना बन रहा है सिक्स इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आठ सात ये हो जाएगा नियरली फिफ्टी सिक्स हो जाएगा माइनस ये सात पाँच 35 से थोड़ा सा ज्यादा मैं एक बार के है, तो इसकी value जो वो 40 के आसपास तो सोलह और येगा ये वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहा सोलह तो के आसपास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा सोलह तो के आसपास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वोल्ट में आंसर जो बन रहा है एक सिस्टमेटिक क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन जो आंसर रहेगा सेवनटीन पॉइंट थ्री अप्रोक्सिमेशन में सोल्व किया चले गए वन एटी थ्री पर वन एटी थ्री एक माध्यु में ठीक है इन वन एवरेज लाइफ तो ये मुद्दा है कि वन एवरेज लाइफ जो है अगर अपन देखें तो हमारे पास हाफ लाइफ में जो है वो पार्टिकल्स कितने हो जाते हैं न्यूक्लियस कितने हो जाते हैं एंड नॉट बाई टू हो जाते हैं हाफ लाइफ टी पर ये हाफ लाइफ नहीं बोल रहा है ये ये बोल रहा है मीन लाइफ बोल रहा है और मीन लाइफ जो होती है दैट इज मोर देन हाफ लाइफ ठीक है उसके लिए अगर अपन बात करें तो अपन ये जानते हैं कि टॉ जो होता है वो बेसिकली वन बाई लेमडा होता है ठीक है और टी की वैल्यू जो होती है वो होती है टॉ तो 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 की वैल्यू बोले तो ये वन अपॉन जीरो सिक्स थ्री कितना हो टी. तो टी से ये थोड़ा टाइम क्या रहेगा ये एक से बड़ी क्वांटिटी रहेगी यानी कि टॉ जो होता है वो टी से थोड़ा सा ज्यादा होता है थोड़ा ज्यादा होने का मतलब वहां पर जो न्यूक्लियस भी जो डिसइंटीग्रेट होंगे वो आधे से क्या होंगे ज्यादा होंगे द मोर देन हाफ ऑफ द एक्टिप न्यूक्लियस विल डिके 183 का आंसर नंबर हो जाएगा तीन। ठीक है चलते हैं अपन नेक्स्ट 184 पर 184 ए न्यूक्लियस विद मास नंबर दिस इनिशियली एट रेट इमिट्स अल्फा पार्टिकल द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज दिस ठीक है ओके कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल

तो सामने वाला न्यूक्लियस 216 दो अपॉन दोनों का सम चार और 216 यानी कि वो कितना हो जाएगा 220 सौ बीस इंटू क्यू वैल्यू ये तो रहेगा अल्फा पार्टिकल का एनर्जी सामने वाला न्यूक्लियस अपॉन दोनों का सम इंटू क्यू उसी तरह से अगर तुमको न्यूक्लियस की एनर्जी पता करनी है या डॉटर न्यूक्लियस की तो सामने वाला पार्टिकल तो सामने वाला पार्टिकल तो कौन है एल्फा अपॉन दोनों का सम दो सौ कितना हो जाएगा क्यू वैल्यू क्यू वैल्यू की आपको दे रखिए फाइव तो ये दो सौ सोलह दो सौ तो पांच पांच से थोड़ी सी कम एनर्जी आएगी

एक पोलराइड के लिए आप ध्यान रखें कि एक पोलराइड पर ये पोलराइड है अपने पास और इस पोलराइड पर मैनस लॉ जब अप्लाई होता है तो मैनस लॉ तो अप्लाई होता है एक पोलराइज लाइट पर अनपोलराइज लाइट जब यहां पर इंसिडेंट हो रही हो यहां पर ये यह है हमारे पास अनपोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट जब इस पर इंसिडेंट होगी तो ये इसको पोलराइज करेगा ठीक है अगर इसकी इंटेंसिटी आई नोड है तो ये अब इस आई नोड का एवरेज इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा और एवरेज इंटेंसिटी जो रहता है

186 से सेकंड सेक्शन अपना शुरू शुरू होता है और 186 से 10 क्वेश्चन आपको करने हैं ठीक है जिसमें चलते हैं गाउ स्लो कॉन बी यूज फॉर कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू इलेक्ट्रिक डायपोल ठीक है बात सही है ये क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्स स्क्वायर लोग को फॉलो नहीं करता है वन अपॉन आर क्यूब पे प्रोपोर्शनलिटी होता है और अगर अपन एक डायपोल के चारों तरफ अपन गाउ स्लो गाउसियन सरफेस बनाएंगे तो उसके अंदर नेट इन नेट चार्ज जीरो रहेगा और उसका फील्ड जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है इतने सारे कारण हैं ये बात सही है इलेक्ट्रिक डाइपोल डोंट हैव सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हाँ तो उसकी नेचर सिमेट्रिक नहीं है सिमेट्रिक नहीं होने का मतलब मैंने ये दोनों अपने पास डाइपोल है माइनस क्यू ये हो गया प्लस क्यू और इसके चारों तरफ अगर मैं गाउशियन सरफेस बना रहा हूँ तो इस गाउशियन सरफेस के सारे पॉइंट्स जो रहेंगे उन पर फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगी वो अलग अलग रहेगी या अगर मैं बोलूँ तो सब पॉइंट्स पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हर पॉइंट की यहाँ पर क्या है दोनों से बराबर बराबर नहीं है तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो बोथ आर करेक्ट एंड इट इज़ द रीजन ऑफ दैट ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना वन। चलते तो हैं 187 पर 187 चार आवेश मूल बिंदु से a दूरी पर रखे हुए हैं इस विन्यास का द्विध्रुव आघूर्ण होगा ठीक है मूल बिंदु से ए दूरी पर है तो ये है हमारे पास ए दूरी तो ऐसे केस में आपको या तो तुम आ, या तो तुम क्या है इसमें अपन चार्जेस को क्या करेंगे डिवाइड कर कर के बनाएंगे तो देखो क्या है ये जो माइनस टू क्यू है इसको मैं एक तो लिख देता हूं माइनस क्यू और एक लिख देता हूं माइनस क्यू तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू जो है ये एक डायपोल बन गया ठीक है ये डिस्टेंस ए है ये डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस जो होगी रूट टू ए होगी और इसका डायपोल मोमेंट जो रहेगा वो माइनस से प्लस की तरफ इधर और ये हो जाएगा तुम्हारे तो पास कितना क्यू इन टू हो जाएगा रूट टू ए ये माइनस क्यू ये थ्री क्यू है तो मैं इसको ऐसे डिवाइड कर सकता हूं डायपोल बनाने के लिए कि माइनस क्यू एक क्यू तो चाहिए और इधर अपने पास क्या हो जाएगा एक प्लस का टू क्यू तो इधर भी एक डायपोल बन जाएगा ये माइनस क्यू प्लस, Q, और और Q प्लस Q, क्यू और इसके डायपोल की डायरेक्शन जिसकी डायरेक्शन इधर की तरफ रहेगी ठीक है और इसके लिए अब चार्ज है तुम्हारा कितना टू क्यू और डिस्टेंस कितनी है रूट टू ए टू रूट टू का कौन बन जाएगा डायपोल मैं क्या कर रहा हूँ क्यू इन टू ए क्यू इन ए को पी लिख रहा हूं ठीक है तो ये रूट टू रूट टू क्यू इंटू ये हो जाएगा तो अब अपने पास जो है वो डायपोल्स कुछ ऐसे हो गए एक डाइपोल इधर की तरफ है जिसकी वैल्यू हो जाएगी रूट टू पी एक डाइपोल इधर की तरफ है उसकी वैल्यू भी हो जाएगी रूट टू पी एक डाइपोल इधर की तरफ है इसकी वैल्यू हो जाएगी टू रूट टू पी और एंगल सबके फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव डिग्री रहेंगे तो ये रूट टू पी का इधर वाला कंपोनेंट अगर मैं देखूं तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास ये हो गया इसका इधर वाला कंपोनेंट रूट टू पी का इधर कॉस्ट फोर्टी फाइव रूट तो टू से रूट टू कैंसिल और ये हो जाएगा पी इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा रूट टू पी का साइन फोर्टी फाइव बनेगा पी इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा वो हो जाएगा रूट टू पी कॉस फोर्टी फाइव ये पी आएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा वो बनेगा तुम्हारे पास कितना रूट टू पी साइन फोर्टी फाइव साइन फोर्टी फाइव जो वापस किया जाएगा पी हो जाएगा ठीक है तो ये पी से एक पी कैंसिल हो गया ये बन गए 2p अब वापस इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें भी एक 45 पर इधर अगर अपन कंपोनेंट लेंगे तो टू रूट टू पी का रूट टू से रूट टू कैंसल इसका इधर रिजल्ट आएगा 2p और इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा साइन 45 फाइव तो टू रूट टू पी टू रूट टू इन टू रूट टू p sin 45 करेंगे तो तो 1 1 हो जाएगा जाएगा वो 1 2 ये 2 से कैंसिल और इधर हमारे पास क्या रिजल्टेंट जो जाएगा जो इधर 2p गया था वैसा ही इधर भी 2p जाएगा अब देखो ये दोनों टू पी जो है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे और केवल एक ये 2p बचेगा जो इधर की तरफ होगा यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट जो बन रहा है वो इधर बन रहा है टू पी ठीक है तो टू पी का मतलब हो जाएगा तुम्हारे तो पास टू क्यू ए एक तो बात ये हो गई और दूसरी बात ये डायरेक्शन जो अपने को बोल रखी है दैट इज वर्टिकल या जे जे कैप जो है उधर की तरफ है तो अपना आ जाएगा टू क्यू ए इन जे कैप डायरेक्शन सेवन का आंसर नंबर हो जाएगा बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है चलते हैं अपन 188 पर 188. आर वाले प्रतिरोध आर है यदि खींच कर इसकी त्रिज्या थ्री आर बाई फोर कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास सबसे पहले तो एक देखेंगे कि अपने पास जब खींचने वाली बात होती है तो एरिया लेंथ जो रहेगा वो वॉल्यूम जो रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा

तो ये आर से आर कैंसिल फोर जाएगा ऊपर थ्री रहेगा नीचे ये हो जाएगा आर टू अपॉन आर टू फोर की पावर फोर सोलह इंटू सोलह दो सौ छप्पन दो सो छपन सिक्स अपॉन ये इंटू नो, नो येगा एटी वन तो टू फिफ्टी सिक्स रिजल्ट ठीक है इसका रिजल्ट रहेगा टू फिफ्टी सिक्स अपॉन एटी वन आर वन एटी एट का रिजल्ट ठीक है चलते अपन वन एटी नाइन पर अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन दो डिफरेंट टेम्परेचर पर हम लोग को वी आई कर्व दे देखा है और हम लोग को यहां पर टी वन और टी टू में रिलेशन बताना है ठीक है तो अभी अगर पन देखें तो देखो क्या है कि ये वी आई कर्व है, तो वी आई कर्व को अगर पन देखें तो वी जिगस टू क्या है आई आर और वी अपॉन आई जो रहेगा वो अपने पास क्या हो जाएगा आर यानी वी आई कर्व का जो स्लोप रहेगा वो किसके बराबर रहेगा स्लोप जो रहेगा वो आर रहेगा

ठीक है क्योंकि ये ऐसे रखा हुआ है अगर ये साउथ से नॉर्थ इधर की तरफ होता तो तीनों का रिजल्ट जीरो हो जाता बट जो तो थर्ड मैग्नेट रखी हुई है वो ऐसे रखी हुई है तो ये दोनों डायपोल जो रहेंगे वो सेम डायरेक्शन में रहेंगे और इसका रिजल्ट बन जाएगा हमारा कितना टू है ठीक है तो वन नाइनटी का रिजल्ट हो जाएगा टू टू है चलते हैं अपन वन नाइनटी वन पर वन नाइनटी वन हमारे पास दो मैग्नेट्स रखी हुई है और उनका डायपोल मोमेंट जो है वो एम है और दोनों को इस तरह से अपन ने अरेंज करके रखा हुआ है एक, एक सेंटर ऑन द बाई सेक्टर ऑफ द राइट एंगल हम लोग को यहाँ पर ये दोनों का जो राइट right एंगल है इस राइट एंगल का जो एक बाई सेक्टर है इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी

एक्सेल पॉइंट पर हम फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं कि बी जो होता है वो क्या होता है टू के पास या पर ये जो रिजल्ट तो बन जाएगा वो हो जाएगा टू रूट टू एम और के जो है ये वाला K, तो यह कितना हो जाएगा म्यूनोड अपॉन फोर पाई इंटू टू रूट टू एम अपॉन क्या हो जाएगा डी क्यूब टू रूट टू एम अपॉन

वोल्टेज अपन ऐसी uh, the the correct statement, correct statement चूज करना है तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ऐसी जब इक्वेशन आती है तो आप इसको सीधा नहीं सोल्व करेंगे पहले इसको बनाएंगे अपन ये आपको दिख रहा है इक्वेशन इस इक्वेशन में अगर देखें देन ई विल बीव टू इस दो साइड में करता हूं तो टू साइन ए कॉस

ए हो चुकी है जिसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो हंड्रेड है ठीक है तो ये तो हो गया गलत ठीक है पीक वोल्टेज ये भी हो गया गलत फ्रीक्वेंसी की अगर अपन बात करें तो फ्रीक्वेंसी तो ये है तुम्हारा ओमेगा ओमेगा की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू टू पाई एफ जो बन रही है कितनी 200 पाई बन रही है तो पाई से पाई कैंसिल और एफ की बात करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी सो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स वोल्टेज इज हंड्रेड हर्ट तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर फोर वन का फोर चलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कलांतर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दिशाओं में होते हैं परंतु इनके दोलन जो रहते हैं वो समान कला में होते हैं ठीक इनकी कला समान रहेगी इनकी दिशाएं क्या रहेगी लंबत रहेगी तो इनके बीच में फेज डिफरेंस जो रहेगा वो जीरो का रहेगा बट ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं पर फेज तो इनका क्या रहेगा सेम रहेगा तो ये सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे तो फेज डिफरेंस कितना रहेगा जीरो वन नाइनटी फोर का वन नेक्स्ट वन नाइन्टी फाइव विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो अगर अपन देखें तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहा होती है जब अपना कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा होता है कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है तो वायर में जो करंट फ्लो होगी वो कंडक्शन करंट रहेगी पर यहां पर जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज हो रहा है ठीक है तो उस ड्यूरेशन ऑफ द चार्जिंग में यहां पर एक करंट फ्लो होती है दोनों प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जिसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट करंट ठीक है और क्योंकि यहां पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है कौन अपना सिग्मा अपॉन एप्सान एन नॉट उस सिग्मा की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती है ठीक है और ये कंडक्शन करंट नहीं है ठीक है? तो सबसे सुटेबल स्टेटमेंट रहेगा दिस इज नॉट कंडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है का हो जाएगा हमारा 4. चलते हैं अपन आगे, uh, 2.1 स्क्रीन टू ले दी, दी, दी है कितनी

ठीक है तो 1.4 ये हो जाएगा mm ये हो जाएगा ऑफ सेंट्रल 1.4 1.4 mm mm को अगर लिखना चाहते हैं तो 0.14 क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर हो जाएगा एक एम इसमें शिफ्ट कर दिया तो 0.14 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास कितना 4 196 का आंसर नंबर 4 चलते हैं अपन 197 पर 197 नाइनटी सेवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसफर इन नेचर इविडेंट बाई पोलराइजेशन ट्रांसफर नेचर प्रूव पोलराइजेशन से की जाती है क्योंकि पोलराइट को ऐसे घुमाते हैं तो आपकी इंटेंसिटी क्या हो रही है चेंज हो रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेफर्स रहेगी वन नाइनटी एट पर चलते हैं ठीक है तो इधर अगर अपन चलाएं तो हमारे पास आई जो है वो क्या होता है एन ई ए

इधर में अगर जीरो जीरो अप्लाई करता हूं तो जीरो जीरो का मतलब होता है लो वोल्ट जीरो जीरो का मतलब लो वोल्ट का मतलब लो वोल्टेज जब अप्लाई हो रहे हैं यहां पर तो ये डायोड जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा रिवर्स बायस रहेगा डायोड रिवर्स बायस हो जाएंगे तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगी उस केस में तुमने ए और बी को जीरो जीरो अप्लाई किया तो आउटपुट जो आया वो कितना आया जीरो आया ठीक है अब क्या मैं क्या करता हूं यहां पर वन वन अप्लाई करता हूं वन वन अप्लाई करने पर ये दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे फॉरवर्ड बायस हो जाने पर ये दोनों वन जो है वो इस जगह पर ट्रेवल करके इस जगह पर आपको वोल्टेज जो मिलेगा वो हाई मिलेगा डायोड जो है वो सीधे इधर कनेक्ट हो जाएंगे कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको हाई वोल्टेज मिलेगा तो वन 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 मिलेगा ठीक है लेस से मैं यहां क्या करता हूं कि इस पर तो अप्लाई करता हूं वन और इस पर अप्लाई करता हूँ जीरो तो कर रहा हूं 1, इस पर जीरो तो ये डायोड रिवर्स बायस रहेगा ये डायोड बायस रहेगा तो इसका वन यहां ट्रांसफर हो जाएगा इसका ट्रांसफर हो जाएगा तो यहां पर फिर भी आउटपुट क्या 1 आएगा वन आएगा जीरो जीरो पर जीरो वन जीरो पर भी वन और वन वन पर भी वन तो ये बन रहा है अपना और गेट तो इसका रिजल्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा दैट विल बी और गेट का कौन रहेगा फोर ठीक है और गेट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन वन

तो ये रहेगा तुम्हारा जनरल डायोड वेल टूज रेगुलेटर तो इन सीरीज टू इन पैरेलल टू द लोड इन पैरेलल टू द लोड का मतलब बी और सी जो है वो अपने करेक्ट हो जाएंगे तो बी एंड सी आर करेक्ट ठीक है तो बी एंड सी आर आर बोथ करेक्ट बाकी सारी बातें तो रिवर्स है इनकी तो वो दोनों करेक्ट नहीं है तो टू हंड्रेड का आंसर नंबर हो जाएगा अपना टू दट जनरल इन पैरेलल टू द लोड एंड इट इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस ठीक है तो एक बढ़िया डिस्कशन अपन ने किया दिस इज फॉर टुडे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम थैंक यू